अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं शियांग के एक बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि मेरे घर से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पे है और थोड़ा दूर है, मगर हम आज मौसम थोड़ा बादल वगैरह थे, आज छुट्टी थी, फ्राइडे था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना ट्रैवल किया जाए और आप लोगों को दिखाते हैं चाइना की, मेरी सिटी की ब्यूटी। मैं गाड़ी इसलिए नहीं चला रहा, मैं चलाता हूँ गाड़ी मगर मैं इसलिए नहीं चला रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप गाड़ी चलाने का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप किसी को मार देते हैं गाड़ी तो आपको इसका लाइसेंस होता है। अगर मेरे साथ ये बैठी हुई तो इसका लाइसेंस जो है वो पुलिस ले लेगी, 3 साल के लिए ये गाड़ी नहीं चला सकती। यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि फिर, और मेरी गाड़ी 3 साल तक स्ट्रीट पे नहीं आ सकती, ये भी रूल है। और जिसको मैं गाड़ी अगर खुदा ना खास्ता मार देता हूँ, वो बंदा जितने पैसे डिमांड करेगा उतने मुझे उसको पे करने पड़ेंगे, हॉस्पिटल बिल वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसके, ये चीज़ें। और ज़्यादातर यहाँ पे लोग पैसे कमाने के लिए जानबूझ के गाड़ी के नीचे आ जाते हैं ताकि वो अपनी इंश्योरेंस क्लेम कर सकें, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो आप तब तक रास्ता इंजॉय करें और आपसे मुलाकात होती है माउंटेन। हम पहुंच गए हैं जहां पे आके हमने देखना था और आप देख सकते हैं व्यू पीछे से सारा व्यू। और अब हम ऊपर को चलते हैं, तो अब हम सीढ़ियां चलते हैं। टेम्पल है मेरे ख्याल से, यहाँ पे कोई पूजा वगैरह करते हैं लोग। ये ये देखें, ये कोई इनका टेम्पल है, ये बंद है, आप देख सकते हैं अंदर अगर आपको नजर आ रहा है। ये देखें, और आप व्यू देखें, यहाँ से सामने आपको नजर आ रहा होगा व्यू, बहुत खूबसूरत। आपको थोड़ा और करीब से दिखाते हैं। हाँ, ये देखें कि इनका टेंपल है अंदर, मेरे ख्याल से कोई प्रे वगैरह करने के लिए। और यहाँ से व्यू देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है, पुरसकून। ये चाइना है, ये देखें, ये शियांग है, ये मेरी सिटी है। और हवा ऊपर तेज़ है, तो आज अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेट्स मूव ऑन। यहाँ से आराम से ऊपर को चलते हैं। देख सकते हैं मैं क्या पहन के आया हूँ, और इसने जूते कंफर्टेबल पहने हैं, मेरे इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, मगर अब किसी को तो कुछ पहनना ही था ना, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत थी, सुबह हो रही थी, तो मैंने कहा कीचड़ होगा, तो इसकी वजह से मैं पहन के नहीं आया दूसरे जूते।
और अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं, व्यू एंजॉय करें बस।我们这个是啥地方啊？这个是什么？खोपड़ा तोड़ा हुआ किसी ने। अब क्या कर सकते हैं, हंसी आ जाती है ऐसे मौकों पे। पता आपको, शैतान से तो हैं हम। आप देख सकते हैं व्यू, यहाँ पे सनसेट देखने का बड़ा मजा है। आए ऊपर चलते हैं, ऊपर ऊपर देखते हैं क्या है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, मुझे 5 साल हो गए हैं शियांग में, मगर मैंने कभी ऐसी जगह नहीं देखी और मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आके देखना ऐसा। ये कोई बंकर लग रहा है मुझे तो। अंदर देख रही, या ये तो कोई बंकर लग रहा है, देख सकते हैं आप अंदर, देखते हैं क्या है। स्मेल अजीब सी है अंदर, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा अंदर क्या चीज़ है। पावे आया ना, आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारी चमगादड़ें होंगी, पता नहीं क्या जगह है ये कोई बंकर सा लग रहा है मुझे तो। चलें उतरते हैं और देखते हैं। तो हम पहुंच गए हैं ऑन द टॉप, और अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आपको फील हो रही होगी तो उसकी यही वजह है कि मेरे पास अभी माइक नहीं है और मैं माइक का इंतज़ार कर रहा था और आज माइक आ जाएगा। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई यहाँ पे। पिक्चर्स मैं साथ साथ लगा दूँगा, आप देख लीजिएगा। और अब हम वापस नीचे चलते हैं लेक पर और आपको वहाँ पर जाके मिलते हैं। चलो ठीक है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा चैनल, और शेयर कीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो अब हम उतरते हैं वापस नीचे को और वापस जाते हैं, अगर आपसे नीचे जाके मुलाकात होती है। ये यहाँ पे मुझे नज़र आया, यहाँ से चलते हैं नीचे।没事，我想看看。देखते हैं कि वो क्या है, कोई काला जादू वगैरह तो नहीं किया हुआ इन्होंने। मुझे कहती है कि पता नहीं क्या है, तुम क्यों जा रहे हो। देखिए आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये क्या चीज़ है, कोई कपड़े बांधे हैं, कोई इबादत करते हैं, कोई प्लेटें पड़ी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, चाइना में भी बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक वगैरह इस तरह की चीज़ें करते हैं, मगर मैंने कभी देखा नहीं, मगर सुना ज़रूर है कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। और लोग ख़ास तौर पर ये बियाबानों में आते हैं इस तरह के काम करने के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है ये टेम्पल है, ये कुछ ना कुछ करते ही होंगे यहाँ पर, भरोसा नहीं, मगर बेशक खुदा की ज़ात हर चीज़ पर गालिब है, उसके हुक्म के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता।
तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों की परेशानी नहीं लेनी चाहिए। देखें लोटा रखा हुआ है, अब यहाँ से अंदर से कोई गेट खटखटा के कहेगा आमी मौन चुली का, आमी मौन चुली का, और ये लोटा उठ के धड़ जाएगा। और यहाँ पे ताला भी लगाया हुआ है, देखिए ये देखिए ताला भी लगाया हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और ये नीचे लोटा रखा हुआ है, यहाँ से अभी गेट खटखटा के कोई कहेगा आमी मौन चुली का और हम फिर भाग जाएंगे। भूल भुलैया तो आप लोगों ने देखी होगी। कंटिन्यू करते हैं, अब हम नीचे जाना, तो अब हम आराम आराम से नीचे चलते हैं और वो सामने लेक पे जाना है हमने। तो देखते हैं कि हमारा सफ़र कैसा होता है। वैसे तो यहाँ पे ड्राइव करके भी आ सकते थे, मगर मैंने इसे कहा कि नहीं, ड्राइव करने की ज़रूरत है क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है और ड्राइव करना सेफ नहीं होगा। तो हम आराम आराम से चलते हैं नीचे और ताकि स्लिप ना हो हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। अगर आपको मेरी साउंड में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आराम से चलते हैं नीचे और यहाँ पे स्लिपरी है। अच्छा अब ये देखें, ये मुझे बता रही है कि कैसे उतरते हैं नीचे। हाल है, आराम आराम से यहाँ से उतरते हैं नीचे और अपना सिस्टम देखते हैं क्योंकि ये अच्छा। आप ये देख रहे हैं ये वाली जो मट है ना, ये चींटियों ने बनाई हुई है, तो ये कुछ ज़्यादा स्लिपरी है। मगर हम उतर गए फाइनली, हम पहुंच गए। अब ये देखिए कैसी मेरी हेल्प नहीं कर लाए सियासी ना, मैंने से कहा आराम से आओ आराम से, ये उतराइए। यहाँ से हम अब ये पहाड़ देखें, आप पहाड़ नहीं है हिल है, देखें इसको छलांगे मार रही है। तो फाइनली हम ऊपर से नीचे आए हैं, हम वो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वो ऊपर से आए हैं हम यहाँ नीचे और मैं इस टाइम बहुत थक गया हूँ। चलो ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे जाना है, यहाँ से ही चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या है। और वो लेक की तरफ चलते हैं, आपको मैंने बताया था कि आगे एक बहुत खूबसूरत लेक है, तो हम उस लेक के पास चलते हैं और देखते हैं। तो फिर हम आखिरकार नीचे आ गए हैं, मगर नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये बहुत स्टीप है और हम समझे थे कि यहाँ पे एक लेक है और मैं बहुत थक गया हूँ। अब वापस ऊपर जाते हैं, आपसे मुलाकात होती है ऊपर, तब तक आप देखें कि मैं कैसे ऊपर चढ़ता हूँ। वही सांस चढ़ गई, चलो ठीक है, बाकी का ब्लॉग आपको ऊपर जाके दिखाते हैं, फॉलो मी। चलें फिर बाकी अब ऊपर चलते हैं आराम आराम से। आपको एक बात बताता चलो चाइना के बारे में कि यहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं है, मतलब कि देखिए इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तरीके से आप ये ले सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस के लिए आप जैसे ही चाइना आते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पे पुलिस स्टेशन रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चाइना में 5 साल हो गए हैं शियांग में और मैंने यहाँ पर शादी भी कर ली है। ओवरऑल यहाँ पर लोग अच्छे हैं मगर इनकलाबी नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि वो उनको
उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बस लॉलीपॉप दी हुई है, एक रोबोट्स बने रहते हैं ये लोग। माँ इनकी जो है वो काम पे जा रही है, बाप काम पे जा रहा है, बच्चा दादी दादी अम्मी के पास है, या बच्चा जो होता है वो किंडरगार्टन में सारा दिन स्पेंड करता है, तो माँ बाप तवज्जो नहीं दे पाते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चाइना में, क्योंकि हर कोई यहाँ पे पैसे कमाने के पीछे पड़ा है, मगर पैसे के अलावा भी बड़ी चीज़ें हैं। बंदे को अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, सबको टाइम देना चाहिए, और बाकी आप इंजॉय करें ऊपर जाना।
गाड़ी दे। तो फिर फाइनली हम वापस गाड़ी में बैठ गए हैं और बहुत थक गए हैं। खाया पिया था, कुछ स्नैक्स पड़े हुए थे बैग पे और हमने कुछ खाया पिया है, पसीने आए हुए हैं ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। और अब हम बाकी का सफ़र कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या है और लेक की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड और आप तब तक रास्ता इंजॉय कीजिए और व्यूज़ वगैरह इंजॉय कीजिए। बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आया यहाँ पे और हम बाकी का जर्नी कंटिन्यू करते हैं, अपनी अपना माउंटेंस वगैरह देखते हैं। और पसीने से बुरा हाल है, एसी ऑन किया, अभी बैठे हैं गाड़ी में। तो फिर बाकी का आपको आगे जाके बताते हैं, तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए। चलो ठीक है।